नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम टेक और आप देख रहे नमस्कार दोस्तों मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, IPO, निफ्टी बैंक, निफ्टी स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगी, इन्वेस्टमेंट पिक आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अपने व्हाट्सअप ग्रुप, अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करते रहिए। और लास्ट में आपका जो सजेशन हो उस कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीकर मुझे सुझाव दीजिए कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, पसंद आता है तो क्यों पसंद आता है, अगर नहीं पसंद आ रहा तो उसके भी रीज़न लिखे, जिससे मैं उसमें कुछ सुधार करते रहूँगा। और जाते जाते अपना कमेंट जरूर छोड़ते जाइएगा वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है बेस्ट स्मॉल एंड मिड कैप फंड। आज की वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड पे है। म्यूचुअल फंड पे मैंने बहुत दिन बाद में वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपको लिए ये मानिए आपके लिए मैं एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आ रहा हूँ, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक लेके आ रहा हूँ म्यूचुअल फंड के लिए। अगर आपको सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड रखना है, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो सिर्फ 1000 रुपीज़ या 2000 या 1500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं एक ही म्यूचुअल फंड। अगर आपको एक ही म्यूचुअल फंड खरीदना है तो सिर्फ यही म्यूचुअल फंड खरीदिए। ये म्यूचुअल फंड आपको आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अभी भी अपने जो पीयर ग्रुप है, इनके जो साथ वाले हैं, उनसे बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए आ रहा। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अपने आप, इस म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अगर आपके पास और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं तो भी अब आप एक नया ये फंड आप जरूर जोड़ लीजिए, स्मॉल एंड मिड कैप फंड। इस फंड का नाम क्या है, आगे सारी डिटेल्स बताने के बाद मैं इसका आपको नाम बताऊंगा। तो पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, इस कम से कम आपका 10 साल का ओरिजिन होना चाहिए। 10 साल में ये आपकी कैपिटल को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, बहुत तेजी से आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ग्रोथ देगा ये म्यूचुअल फंड। तो इस म्यूचुअल फंड को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं सारी चीज़ें इस म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ कि स्टॉक कहाँ खरीदते हैं, कब लेते हैं, ये कौन से स्टॉक में इनका इन्वेस्टमेंट है, इनके फंड मैनेजर कौन है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसमें। सबसे पहले स्टॉक, ये इक्विटी रिलेटेड मिड कैप स्मॉल कैप फंड है। तो बिल्कुल ये ओपन एंडेड फंड है। ग्रोथ आपको हमेशा ग्रोथ प्लान लेना है। देखिए, आपको 10 साल या 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा ग्रोथ प्लान ही लेना है, डिविडेंड प्लान आपको नहीं लेना है। ये लॉन्च डेट है 12/5/2014 को लॉन्च हुआ है। इक्विटी है, इसका बेंच मार्क है BSE स्मॉल कैप फंड। और जो एक्सपेंस रेशियो ये होता है जो हमारे में से ही म्यूचुअल फंड को उन कंपनियों को जाता है, कुछ पैसा उन कंपनियों को जरूर जाता है जिस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो एक्सपेंस रेशियो, ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो रेगुलर फंड के लिए है, और ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो डायरेक्ट फंड के लिए है। तो हमें डायरेक्ट फंड लेना है। अब देखिए, टॉप इसमें आप जो मिनिमम कर सकते हैं, जो पहली बार अगर आप डायरेक्ट फंड ले रहे हैं तो आपको 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल एसेट ये रेगुलर फंड का है, ये जो टोटल एसेट दिख रहा है ये रेगुलर फंड का है, 18,073 करोड़। और लगभग जो अपना डायरेक्ट फंड का है वो लगभग 274 करोड़ का इसका टोटल एसेट है। अब इसके जो फंड मैनेजर, देखिए स्टॉक परफॉर्म कैसा करेगा ये उसके फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर फंड को कैसे लेता है, किसी स्टॉक्स को कब बाइंग करता है, कब सेल करता है, ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर पे। हमने अपना पैसा फंड मैनेजर को दे दिया है कि भाई मेरा ये 1000 रुपीज़ है, मैंने आपको इसको 10 साल के लिए कंटिन्यू मैं हर महीने आपको देता रहूँगा, तो आपको ये पैसा कहाँ लगाना है ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है। तो फंड मैनेजर अगर अच्छा होगा तो फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो देखिए, ये फंड मैनेजर देखिए सोमेंद्रनाथ लहरी एंड करण देसाई हैं। जो सोमेंद्रनाथ जी हैं वो BTech हैं, PGDM है, IIM बेंगलोर से। और इन्होंने पहले L&T म्यूचुअल फंड में, अभी जो हमारा जो आज का फंड है वो L&T का है, आगे बताऊंगा मैं आपको। L&T में काम करने से पहले ये कैनरा रॉबिक में काम करते थे, MK इन्वेस्टमेंट में, और DSP ब्लैक रॉक में भी रह चुके हैं। यानी सारे ये फंड बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में रह चुके हैं, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है जो हमें काम आएगा। हमारे म्यूचुअल फंड जो हम पैसा लगा रहे हैं, तो हमें पैसा हम किसको दे रहे हैं, देखिए पैसा हम किसी कंपनी को नहीं, पैसा हम इस कंपनी के साथ में उस फंड मैनेजर को देते हैं कि कौन किस फंड मैनेजर को दे रहे हैं। तो हम अपना पैसा किसको दे रहे हैं, सोमेंद्रनाथ और करण देसाई को दे रहे हैं कि वो हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर वो हमारे पैसे को अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर उन्होंने खराब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब जो हमारा ये फंड, हमारा जो ये म्यूचुअल फंड है, ये हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करता है, इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैसे फंड में, कैसे स्टॉक में, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये देखिए,
छोटी से छोटी कंपनियां, इनको मार्केट कैप और सेक्टर से कोई मतलब नहीं। बहुत सारी कंपनियां होती है सेक्टर एलोकेशन करके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनका मार्केट कैप और सेक्टर से कोई मतलब है। ये छोटी छोटी कंपनियों को ढूंढते हैं और उनको बॉटम पे पकड़ने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट बॉटम पे करें, उस कंपनियों की छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इतनी स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो अभी मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आगे चल के हमारा फंड बहुत बड़ा होगा। जैसे जैसे वो कंपनी बड़ी होती जाएगी हमारा फंड भी बड़ा होते जाएगा। तो ये छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है ये म्यूचुअल फंड। तो अब देख लेते हैं इस फंड में कहाँ कहाँ पे कितना पैसा डालते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल में ये लगभग ऑलमोस्ट लगभग 10.5% का हिस्सा जाता है, फाइनेंस में 9% का, ऑटो इंसिलरी में जो छोटी छोटी आसो गैस होती है एंसिलरी कंपनियां होती हैं जो ऑटो के पार्ट बनाती हैं उनमें लगभग लगभग 9% का हिस्सा है, केमिकल में 8.5% का हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन में 7.5% का है, इंडस्ट्रियल कैपिटल में लगभग लगभग 5.5% का है, टेक्सटाइल में लगभग लगभग 5.5% का है, और रिटेलिंग यानी जो रिटेल कंपनियां हैं उनमें लगभग लगभग जैसे शॉपर शॉप हो गई, V2 रिटेल हो गई, ऐसे रिटेलिंग कंपनियों में लगभग लगभग 5.5% का हिस्सा है। जो बड़ा पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे इन सेक्टरों में ये पैसा लगाते हैं। अब देखते हैं कौन किस किस स्टॉक्स में इनकी जो होल्डिंग है इस म्यूचुअल फंड की वो किस स्टॉक्स में कितनी है। ऑलमोस्ट लगभग लगभग मैंने कुछ कंपनियों के निकाल के लाए हैं। देखिए इन कलेक्टिव बोरिंग में लगभग लगभग इनके पास 9% की हिस्सेदारी है, मैक्स फाइनेंस में लगभग 2.5% की, लक्ष्मी मशीन में लगभग लगभग 2.5% की। और ये सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही हैं, नीचे से जाके धीरे धीरे कंपनियां ग्रो कर रही हैं। छोटी अभी ये कंपनियां बहुत छोटी हैं लेकिन आगे चल के ये कंपनियां बहुत बड़ी बनने वाली हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में इनकी हिस्सेदारी है, मैरिक में है, महाराष्ट्र सीलेमेंस में है, KPR मिल्स में है इनका, देखिए आरती में है इनका 2% का लगभग हिस्सा, शोभा डेवलपर में लगभग लगभग 2% का हिस्सा है, HEG में लगभग लगभग देखिए 2% का हिस्सा है, इंडियन बैंक में है इनका हिस्सा, रानी होल्डिंग ये देखिए कोरमंडलम में है, भारत फाइनेंस में है, रेमको सीमेंट में है ऑलरेडी, टेक्नो इलेक्ट्रिक में लगभग लगभग 2% का इनका हिस्सा है, अमर राजा बैटरी में भी 2.25% है, शॉप और शॉप को देखिए, अवंती फीड्स को देखिए कहाँ से कहाँ निकल गए, ऐसे स्टॉक में इनके इन्वेस्टमेंट है। अब इनको कब प्रॉफिट बुक करना है ये इनको बताया, गोदरेज प्रॉपर्टी में है, नोसिल में है, फ्यूचर लाइफ फैशन में इनका है, इंजीनियर सिंजिया, सिटी यूनियन बैंक, सोमिया, ट्रेडेंट और देखिए स्टरलाइट टूल्स में। तो बहुत सारी अच्छी कंपनियों, बहुत सारी छोटी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब इस फंड का नाम देखिए, फंड का नाम है L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड। डायरेक्ट प्लान हमें लेना है, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड डायरेक्ट प्लान लेना है। अगर आपके पास 1,000 रुपये है और आप 1,000 रुपये 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में कीजिए। ये फंड बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा था कि अभी इसको मैं कुछ फंड इतने ट्रैक करा था, ऑलरेडी लेवल वो 3.5 साल अब हो चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका अभी तक का। अब देखिए इसके साथ वाली जो कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए और इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए। देखिए आदित्य बिरला की जो कंपनी है, देखिए NAV 42 का है और एक साल का रिटर्न लगभग 50% का दिया है। रेगुलर फंड है और ये डायरेक्ट है। अब देखिए L&T इमर्जिंग, देखिए रेगुलर ने कितना परसेंट का, डायरेक्ट ने कितना दिया है इसमें, ये देखिए DP यानी डायरेक्ट फंड जो है वो कितना दिया है 63.3 का, और जो रेगुलर है वो कितना दे रहा है 62% का। L&T मिड कैप इनका एक और कंपनी है, देखिए लगभग लगभग 52% का रिटर्न यहाँ पे दिया है, और L&T मिड कैप का जो डायरेक्ट प्लान है वो देखिए 53.2% का रिटर्न यहाँ पे देके जाए। अभी देखिए जो L&T अभी ये छोटा फंड है क्योंकि डायरेक्ट फंड डायरेक्ट प्लान अभी बहुत लोगों को डायरेक्ट, बहुत सारे लोग सिर्फ रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट प्लान बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है अभी तक भी। अभी तक लोग बस म्यूचुअल फंड लेना है इतना पता है, उसमें डायरेक्ट और रेगुलर किसी से पूछोगे तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। तो इसलिए ये देखिए फंड की जो MU फंड की एसिड है वो देखिए 258 करोड़ के आसपास में है अभी। तो ये फंड बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है L&T का बिजनेस इमर्जिंग फंड, तो इस फंड में आप पैसा जरूर लगाइए। चलिए आगे देख लेते हैं इसके पीयर कंपनियां जो साथ में चली। अगर किसी ने भी 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता, 3 साल पहले अगर किसी ने SBI स्मॉल कैप फंड में लिया होता तो उसका फंड लगभग लगभग 35% का रिटर्न मिलता है, L&T बिजनेस इमर्जिंग में लगभग 35.13। और ये फंड काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, ये फंड की अपेक्षा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है L&T बिजनेस इमर्जिंग। SBI मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड भी बहुत अच्छा है, मेरे पास SBI का भी मिड कैप है, रिलायंस का भी मिड कैप है, यानी दोनों मिड कैप मेरे पास है, रिलायंस का भी है और SBI का है। लेकिन मुझे लग रहा है कि L&T बिजनेस इमर्जिंग जैसी जैसी कंपनियां इनके पोर्टफोलियो में है ये बहुत अच्छा आगे चल के रिटर्न देने वाली है। तो इस पर बिल्कुल आप ध्यान बना के रखिए अपनी नज़र, बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए L&T बिजनेस इमर्जिंग में। देखिए रिलायंस स्मॉल एंड मिड कैप फंड ने लगभग रिटर्न दिया 30% का, आदित्य बिरला सनलाइफ ने लगे L&T मिड कैप फंड ने लगभग लगभग 28% का रिटर्न दिया है। तो इन सारों कंपनियों में मिला
दिया जाए तो एलएनटी बिजनेस इमर्जिंग जो है बहुत तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है, तो आप इसमें, इसके फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं, बहुत छोटी छोटी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो इसलिए ये आप फंड जब भी लें तो इस फंड को आप कम से कम 10 से 12 साल का व्यू बनाए तभी इस फंड को लें। देखिए आप पहले अपने पैसे को जमा होने दीजिए, पैसा तब बढ़ेगा जब आप पैसे को छोड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 4 साल 5 साल, तो अगर हमने मान लीजिए अगर 5,000 रुपये लगाए तो 4 साल 5 साल में हमारा कितना होगा, अगर हमने 12×5=60, 6×2=24, यानी लगभग 2,40,000 रुपये अगर हमने 4 साल में इन्वेस्टमेंट किया, उसकी कैपिटल पे कंपाउंडिंग रिटर्न 4 साल या 5 साल के बाद हमें समझ में आएगा कि किस तरह से मिल रहा है। तो इसलिए आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के 1 साल या 2 साल बाद बिल्कुल ट्रैक ना करें। हाँ, अपने पीयर कंपनियों को ट्रैक करते रहें कि बाकी कंपनियों का रिटर्न कैसा है और हमारी कंपनी जिसमें हमने, जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न कैसा आ रहा है। आप बिल्कुल इसको इस तरह ना कंपेयर करें कि आप हर महीने कंपेयर करने वाली चीज़ नहीं है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को आप लीजिए 2-4 साल के लिए छोड़िए, उसके बाद उसको ट्रैक कीजिए, क्योंकि पहले तो हमारा SIP हर महीने कुछ कुछ पैसा 1-1,000 रुपये 2-2,000 रुपये SIP के जरिए जा रहा, तो 2-3 साल तो हमारा पैसा इकट्ठा होने में टाइम लगता है, उसके बाद मल्टीपल जब कंपाउंडिंग रिटर्न हमें मिलता है तब हमें समझ में आता है कि हमारा फंड किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो फंड में लेने के बाद आप उसको हर साल, हर महीने, हर साल ट्रैक ना कीजिए, कम से कम 2 साल तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, पहले से आप चयन कर लीजिए कि मुझे कौन सा फंड लेना है, 2 साल तक उसको बिल्कुल मत देखिए, उस फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, उसके बाद आपको कुछ सोचना है। और दूसरी बात, जो अगर 1 साल पहले फंड को निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगेगा 1% का, अगर 1 साल बाद निकालते हैं तो आपको कोई लोड नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ यह है कि म्यूचुअल फंड में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये लॉकिंग पीरियड होगा, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता म्यूचुअल फंड में, बस आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहिए लाइन पे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो म्यूचुअल फंड की। अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।